नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लक्ष्मी गोल्डरेना हाउस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में आपको बाइंग करना है कि सेल करना है कि होल्ड करना है। देखिए, ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और फ्यूचर में और भी अच्छा रिटर्न देगा। तो ये सब चीज़ों के लिए या नहीं देगा रिटर्न, तो उसके बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो में आगे बढ़ना हो तो प्लीज़ आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये न्यूज़ मिल सके। और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा और फेसबुक पर आप शेयर करते रहिए। देखिए, इसका जो भाव है लक्ष्मी गोल्डरीना का जो भाव है 338 रुपये है और आज लगभग ये 4.32% ये स्टॉक आज तेज है। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये देखिए कुछ रियल इस्टेट डेवलपमेंट में काम करता है और ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेल्स करता है ज्वेलरीज़ में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है 705 करोड़ का है, मात्र 705 करोड़ का है। और यहाँ पे 52 वीक अगर हम लो की बात करें तो 28 रुपये का 52 वीक लो है और 52 वीक जो हाई है 355 रुपये का 52 वीक हाई है। देखिए, ये स्टॉक की पी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन जो इंडस्ट्री पी है वो 36 की है। बुक वैल्यू 15 रुपये की है और अगर हम इसके आरओई की बात करें तो 1.26% का आरओई है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। देखिए, इनके पास जो कर्जा है वो 31.7 करोड़ का है और अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो 5.10 करोड़ का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है और यहाँ पे देखिए ये जो इनकम कर रहे हैं वो इनकम देखिए, यहाँ पे जो इनका एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम है 0.40 करोड़ का और अभी जो इनका क्वार्टरली जो इनकम हुआ है वो है 5.75 करोड़। तो मतलब अभी ये ग्रोथ कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त। वॉल्यूम देखिए कुछ इस तरीके का हो रहा है, 3 साल का ये सेज या रिटर्न है, ये 1 साल का रिटर्न है 1164% का, मतलब बहुत ही शानदार रिटर्न। आप समझ रहे हो किस तरीके का रिटर्न है। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो देखिए ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तेज है और अगर हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, देखिए किसी भी कंपनी में हमें पैसे लगाने से पहले हमें क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट ज़रूर देख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको एक सहायता मिलती है कि ये कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मेरे को दे गई और इसके तहत मेरा स्टॉक है वो अच्छा चलेगा, मेरा पोर्टफोलियो वो अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं मार्च 2018 में ये माइनस में है, 2022 में ये प्लस में है, 2023 में ये देखिए प्लस में है। हम धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ पे देखिए जो ये क्वार्टरली रिजल्ट है दिसंबर का वो 5.75 करोड़ का है और सितंबर का है, सितंबर 2023 का ये 4.07 करोड़ है। तो अब इस यहाँ पे देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट तो हमने देखा, अब यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे जो कि है साल का, एक ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ 2010 से, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपकी नज़र बस खाली यहाँ पे होनी चाहिए इस स्क्रीन पे और ये नेट प्रॉफिट वाले स्क्रीन पे। देखिए 2010 में यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, 0.0 दिखा है, 2011 में 0.03 करोड़, 2014 में 0.09 करोड़, 2015 में 0.05 करोड़, 2016 में 0.06 करोड़, 2017 में 0.58 करोड़ और 2018 में 0.44 करोड़, 2019 में
0.67 करोड़, 2020 में 0.11 करोड़, 2021 में देखिए 2021 में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2021 में 0.12 करोड़, 2022 में 0.13 करोड़, मार्च 2023 में 0.40 करोड़। तो अभी आप समझ सकते हैं कि जो आने वाला है रिजल्ट ये वाला, क्योंकि ये क्वार्टर जो रिजल्ट है वो यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक अप रहेगा, आप समझिए। तो इसीलिए इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि अभी तो 2024 का रिजल्ट नहीं आया है, 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो बौखला जाओगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये रिटर्न देने वाला है स्टॉक। और अभी तक ये लगभग उसी के कारण ये स्टॉक अभी 1164% का रिटर्न यहाँ पे ये दे चुका है इसी के कारण बस, ठीक है। अब हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और जो पब्लिक है थोड़ी सी अपनी होल्डिंग यहाँ पे घटा के रखी है। बाकी आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मेरे लिए बेस्ट है तो आप बने रहिए। देखिए मैं तो बोलता हूँ जब तक रिजल्ट नहीं आता है, अगर आपके पास पहले से ही स्टॉक है तो आप बने रहिए। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हो सकता हो थोड़ा बहुत तेज़ी इस स्टॉक में और भी देखने को मिले, फिर उसके बाद करेक्शन देखने को मिले तो वहाँ पे जो भी प्रॉफिट है आपका अच्छा बुक हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि उसी की वजह से क्वार्टर जो रिजल्ट आया है अच्छा, उसी की वजह से इस स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्वार्टर रिजल्ट कहाँ अच्छा है वो मैंने आपको बता दिया कि सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 का ये रिजल्ट जो है वो बहुत ही शानदार है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये स्टॉक में इतनी तेज़ी बन रही है, और बाकी आप देखते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप इस कंपनी में बने रहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि फ्रेश बाइंग के लिए आप बहुत थोड़ा अमाउंट लगाइए, ज़्यादा अमाउंट ना लगाइए। अगर ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं या थोड़ा अमाउंट लगाते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस रेडी रखिएगा, बाइंग करके स्टॉप लॉस रेडी रखिएगा, और बेचना अभी नहीं है, होल्ड करना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, और जो इसमें ऑलरेडी हैं बायर आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।